इस खर्चीले दौर में यदि आप एक विज्ञापन देखें, पढ़ें या सुनें कि 0% हो खर्च और आपका भोजन बने आसानी से स्वादिष्ट और जबरदस्त, तो आप इस उत्पादन के बारे में जानने के लिए अवश्य रुचिकर होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता इस स्वप्न को वास्तविक रूप प्रदान करने में सफल हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा। सूर्य की रोशनी की सहायता से अनेक यंत्रों एवं उपकरणों का संचालन हो सकता है। ऐसा ही एक उपकरण है सोलर कुकर। खाना पकाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग भारत में बहुत सराहा गया है। अनेक प्रकार के सोलर कुकर आज बाजार में उपलब्ध हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा की सहायता से खाना पकाने की पद्धति को बहुत बढ़ावा दे रहा है। पिछले 2 दशकों से अनेक परियोजनाएं एवं कार्यक्रम सौर कुकर के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए हैं। ये कार्यक्रम नवीन प्रकार का खाना पकाने की पद्धतियों को भी बढ़ावा देते हैं और उनके विषय में जानकारी भी प्रदान करते हैं। ये कुकर पर्यावरण को दूषित नहीं करते और रीतिगत ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण भी करते हैं। बॉक्स सौर कुकर सौर ऊर्जा की सहायता से चावल, दाल, सब्जी, मांस, मछली, सूप, मिठाइयाँ, चटनी, अचार, बिस्कुट, केक इत्यादि बनाने में सक्षम है। ये कुकर तलने और सेकने का काम नहीं कर सकता है। ये खाना पकाने के तेल और गैस का प्रयोग कम कर सकता है, पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ये पारिवारिक खाना बनाने के लिए साल के सभी दिनों के लिए उचित है। केवल बादल जब छाए हों तब खाना नहीं बन सकता। ये कुकर फाइबर ग्लास या एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाता है। इस डिब्बे को कांच से ढका जाता है। डिब्बे के अंदर सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने का एक शीशा होता है। डिब्बे के अंदर खाना बनाने के लिए बर्तन रखे जाते हैं। सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करने वाला शीशा रोशनी को प्रतिबिंबित करता है और सौर ऊर्जा की उत्पत्ति बढ़ाता है। खाना डिब्बों में रखा जाता है और इन डिब्बों को कुकर के अंदर, कुकर को बंद करने के बाद सूरज की ओर मुंह कर रखा जाता है। बॉक्स सौर कुकर 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर का होता है। इसमें 4 डिब्बे रखे जाते हैं। ये कुकर अक्षय ऊर्जा दुकानों से खरीदे जा सकते हैं। सौर कुकर की कई विशेषताएं हैं। इसे प्रयोग करने में ईंधन बार बार व्यय नहीं करना पड़ता है। यदि सौर कुकर का लगातार प्रयोग किया जाए तो प्रतिवर्ष 3 LPG सिलेंडरों की खपत बचाई जा सकती है। सौर कुकर समय की बचत के लिए उत्तम है। इसमें जब खाना बन रहा होता है तब आप अन्य कार्य भी कर सकते हैं। मध्यम गति से खाना स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनता है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। ये स्थायी एवं सरल उपकरण है। बॉक्स सौर कुकर की कीमत 1800 रुपए से 3000 रुपए तक होती है। एक 4-5 सदस्यों के परिवार के लिए सामान्य आकार का सौर कुकर उत्तम है। ये कुकर 10-12 वर्षों तक सुचारू रूप से काम कर सकता है। बॉक्स सौर कुकर के कई नमूने विदेशों में आयात किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने 200 रुपए का बोनस हर ISI मार्क वाले सौर कुकर को दिया है और हर सौर कुकर जो ISI मार्क के बिना बिक रहे हैं उनको 100 रुपए का बोनस दिया गया है। इसके अतिरिक्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर कुकर की बिक्री को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। ये डिश सूरज की किरणों को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए लगाई जाती है। इस सौर कुकर को SK-14 के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के कुकर का प्रयोग घरों के लिए और छोटे छोटे संस्थानों के लिए उत्तम है। एक आदर्श स्वरूपी डिश सौर कुकर का 1.5 मीटर का डायामीटर होता है और 0.28 मीटर की नाभीय लंबाई होती है। इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सौर कुकर को हर 15 से 20 मिनट में सूरज की तरफ मोड़ना पड़ता है। एक उचित प्रकाशित दिन में ये कुकर 2-3 लीटर पानी आधे घंटे में उबाल सकता है। इस कुकर का अधिकतम तापमान 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ये कुकर 15-20 लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग 8-9 घंटों तक किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रेशर कुकर के लिए भी किया जा सकता है। इस कुकर की कीमत 5,500 से 7,000 रुपए तक होती है। इसके प्रयोग से
साल में 10 एलपीजी सिलेंडरों की बचत हो सकती है। ये छोटे संस्थानों के लिए रोजगार का उत्तम स्रोत हो सकता है। ग्रामीण विद्यालयों में दोपहर के भोजन को बनाने के लिए ये उत्तम तकनीक सिद्ध हुई है। इस कुकर का इस्तेमाल लगभग 20 वर्ष तक किया जा सकता है, किंतु हर 5 वर्षों में प्रतिबिंबित तत्व बदलना पड़ता है। वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इन पर 30% बोनस प्रदान कर रहा है, जिससे इनकी बिक्री बढ़ रही है। जन समुदाय सौर कुकर मुख्य रूप से रसोई घर के अंदर खाना बनाने में सक्षम है। इस कुकर की लंबाई चौड़ाई 7 से 12 स्क्वायर मीटर तक होती है। ये डिश रसोई के बाहर संस्थापित की जाती है, जिसकी सहायता से सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होकर दीवार में एक छोटे से छिद्र से रसोई में प्रवेश करती हैं। दूसरा प्रतिबिंबित तत्व भोजन के बर्तनों के नीचे केंद्रित होता है। ये तत्व भीतर आने वाली किरणों को सोखता है और बर्तनों को गर्म करके खाना बनाता है। इस प्रकार के कुकर का तापमान लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस प्रकार का कुकर लगभग 40 से 50 लोगों के लिए खाना बना सकता है। इस कुकर में एक स्वचालित घड़ी होती है, जो इसका रुख स्वतः मोड़ देती है। ये कुकर समुदायों, विद्यालयों, संस्थाओं की रसोइयों और होटलों के लिए उत्तम है। इस कुकर की कीमत 60,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक होती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ऐसे एक कुकर की खरीद पर 30% तक सहायता देता है। सौर भाप उत्पादन पद्धति के प्रयोग से भी खाना बनाया जा सकता है। भाप के प्रयोग से खाना बनाना किफायती है। एक 10 स्क्वायर मीटर की डिश के प्रयोग से ये कुकर खाना बनाता है। विश्व की सबसे बड़ी सौर भाप उत्पादन पद्धति तिरुपति देवस्थानम तिरुमाला आंध्र प्रदेश में संस्थापित है। ये भी MNRE की सहायता एवं आदेश से संभव हुआ। ये पद्धति 15,000 लोगों के लिए एक समय में भोजन बना सकने की क्षमता रखती है। ऐसी ही कई पद्धति माउंट आबू, शिरडी, हुबली, गुड़गांव में भी संस्थापित की गई हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर भाप उत्पादन पद्धति को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। इस तरह के कुकर लगाने के लिए मंत्रालय संस्थाओं को 50% तक सहायता प्रदान करता है और वाणिज्यिक उपक्रमों को 35% तक सहायता राशि दी जाती है। सौर कुकर की विशेषताएं ये स्वयं ही सिद्ध करती हैं कि भारत जैसे राष्ट्र में, जहां जनसंख्या इतनी व्यापक है, वहां सौर कुकर एक किफायती उपकरण है तथा एक सरल, टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण के लिए वरदान स्वरूप है। इस उपकरण के अधिक उपयोग के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित ये उपकरण रीतिगत ऊर्जा के लिए एक स्थायी विकल्प है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।